हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई। सबसे पहले मैं क्या की हूँ, आधा किलो मछली ले आई हूँ मार्केट से। इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। और इसके लिए क्या क्या चाहिए ग्रेवी के लिए, सबसे पहले आधा कटोरा सरसों ले लेते हैं, 1 चम्मच जीरा ली हूँ मैं, 2 हरी मिर्च ली हूँ, 2 लाल मिर्च ली हूँ और लहसुन ली हूँ 1। इन सबको एक ही साथ पीस लेते हैं हम लोग ग्राइंड में। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम लोग मैं ऑलरेडी पीस ली हूँ। आप चलते हैं, ये 5-6 चम्मच मछली में डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं और इसको अपने हाथों से मिला लेते हैं हम लोग। मैं इसको अच्छे से मिला ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई पैन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है, जब भी मछली बनाइएगा कभी भी गाइस, ऑयल को हमेशा हीट, ज़्यादा हीट होना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट नहीं होता है तो मछली टूटने लगता है। आप देख सकते हैं गाइस, एक साइड से मछली पक गया है, दूसरे साइड से मैं पलट दी हूँ। गाइस आप देख सकते हैं दोनों साइड से मछली पक गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। मैं फिर से मछली को फ्राई कर रही हूँ। गैस को लो बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको हाई पे ही रखिएगा। थैंक यू गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बट गाइस आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इसे बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। एंड अपने फ्रेंड लोग को, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।